राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के आदेश के अनुसार पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार ने आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय कार्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड 18 नंबर पर बड़े ही धूमधाम से पद्म भूषण और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी की जयंती मनाई। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, पूर्व सांसद प्रिंस राज, इन्होंने अपने तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर रामविलास पासवान जी की तस्वीर पर फूल माला पहनाकर पुष्प चढ़ाकर और केक काटकर उनको नमन किया। मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के बाद दलितों की आवाज को उठाने वाले हमारे दूसरे नेता रामविलास पासवान जी थे, जिन्होंने कई बार मंत्री रहने के बाद दलितों की आवाज उठाई। वहीं पशुपति कुमार पारस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पद्म भूषण और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग भी की। वहीं पूर्व सांसद प्रिंस राज ने भी पद्म भूषण और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी की जयंती पर उनकी तस्वीर पर फूल माला पहनाकर और पुष्प चढ़ाकर उनको नमन किया और केंद्र सरकार से रामविलास पासवान जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की। वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आनंद कुमार ने भी पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारे नेता पद्म भूषण और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी के बाद दूसरे नेता थे जो कई बार मंत्री रहे हैं और हमेशा दलितों की आवाज को उठाने का काम किया है। आज हमारे नेता रामविलास पासवान जी को देश तो देश विदेशों में भी उनको माना जाता है। देश हित में हमारे नेता जी ने जो काम किया है वह कोई नेता नहीं कर सकता है। देश का जो सर्वमान्य नेताओं के रूप में नाम आया वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नाम आया, जो हमारे बड़े भाई थे, देवता तुल्य थे। आज हम लोग के बीच में नहीं है। आज 78वां वर्ष उनके जन्मदिन का है और 52 वर्ष के राजनीतिक इतिहास में वो बिहार विधानसभा के सदस्य है, लोकसभा के सदस्य है और राज्यसभा के सदस्य है और 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला। रेल विभाग जैसा अहम मंत्रालय, संचार मंत्रालय, स्टील मंत्रालय विभाग के वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे और बड़ी ही ईमानदारी से और बहुत ही निर्भरतापूर्वक उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को संभाला और आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। लेकिन उनका जो शोषित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ऊंची जाति के लोग, जीवन का करियर के लोगों के लिए जो सोच था वो डॉक्टर अम्बेडकर के बाद स्वर्गीय रामविलास पासवान जी में सदगुण था और हमारे लोग पूरे देश में, दक्षिण भारत से जाइए, नॉर्थ बिहार से कहीं भी जाइए, तो उनको स्वर्गीय अम्बेडकर के रूप में उनकी मान्यता है। इसलिए आज उनके जन्मदिन पर मैं भारत सरकार और खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। आज हमारे माननीय पद्म भूषण श्री रामविलास पासवान जी की हमने 18 नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर आज भव्य जयंती बनाई गई। इसमें तमाम हमारे दिल्ली के और सभी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे आदरणीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सही भारत सरकार में माननीय श्री पशुपति पारस जी इस कार्यक्रम में सबसे उपस्थित रहे और आज जो हमारे रामविलास पासवान जी के लिए हमने भारत रत्न के लिए भी हम पहले से कई बार मांग कर चुके हैं और प्रधानमंत्री से पहले भी करे और हम मांग करते दोबारा से कि इनको भारत रत्न दिया जाए। अब अगर रामविलास पासवान जी की बात करें तो केंद्र में कई बार मंत्री रहे और वो दबे कुचलों के नेता नहीं थे, वो दबे शोषित जितने भी लोग थे सबके नेता रहे हैं, चाहे जितने भी किसी भी वर्ग का हो कोई उनके द्वार से कभी खाली नहीं गया। किस तरह का कार्यक्रम किया गया है आज?
जयंती जो हमने बनाई है उनके भव्य अपने भंडारे का आयोजन किया है, कई जगह दिल्ली में पुस्तक वितरण भी करा है और फल वितरण का भी वो प्रोग्राम हॉस्पिटलों में रखा है। जिले वाइज हम लोग सब जगह दिल्ली में प्रोग्राम करेंगे और ये प्रोग्राम हमारे माननीय श्री पशुपति पारी जी ने आदेश दिया है हिंदुस्तान के अंदर हर प्रांत जो है अपने रामविलास पासवान जी का जयंती बनाएगा। एनबीसी न्यूज के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।